फैमिली कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोग स्वागत है तारे डेली फैमिली ब्लॉग पे। तो आज आप लोग अच्छे से पता होगा कि नवरात्रि का हर कोई 8वें दिन में व्रत रखा होगा, क्योंकि 9वें दिन में कन्या पूजन करना होता है। तो कल मुझे कन्या पूजन करना है और मैं पूरा दिन आज व्रत में रहूँगी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लूँ, शॉर्ट वीडियो मैंने जैसे तैसे शूट कर लिया है। भूख तो नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा है ना अंदर से एनर्जी कम हो जाती है, तो वही हाल मेरा भी है। तो अभी बाबू सो रहा है और जैसे कि रोज मैं अपना सेटअप दिखाती हूँ आप लोगों को, तो आज भी शेयर करती हूँ आप लोग से। बाकी शॉर्ट वीडियो बन चुका है मेरा, ब्लॉग बना रही हूँ। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गया है। हस्बैंड भी आज घर पे ही थे क्योंकि आज संडे है, तो वो कहीं बाहर गए हैं मार्केट क्योंकि उनको थोड़ा काम था। और बाकी शॉर्ट वीडियो मैंने बना ही लिया है जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, और आप लोग से एक बहुत सारी बातें शेयर करनी है। आप लोग वीडियो में इसी तरह बने रहिए। मैं अपना सेटअप हटा लेती हूँ क्योंकि अब मेरे को नीचे जाना है, नहीं तो बाबू उठ जाएगा कभी भी। तो फाइनली गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ, बालकनी में आई हूँ। तो आप लोग से मैं बातें ये शेयर करने वाली हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे पास खुद का घर नहीं है, तो मतलब हम लेने का ट्राई कर रहे हैं, एक भी हाथ में पैसे नहीं है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, लेकिन हमको खाने तक का भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ज़मीन ले लेंगे तो किराए का तो पैसा बचेगा। तो मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वही कॉलोनी में मैंने जगह देखा है, तो जगह तो 9 लाख का बता रहे हैं। और 9 लाख सुन के मेरी हक्की बक्की गुल हो गई। मैंने कहा 9 लाख, यहाँ 9 रुपये देखने को मिल नहीं रहे हैं, तो 9 लाख कहाँ से आएगा। तो वो ज़मीन मना कर दिए जो ज़मींदार थे, उन्होंने दिखाया। फिर एक घर भी बताया था उन्होंने कि घर बना बनाया है, 65 गज में है वो, 100 गज से कम है वो, तो बना बनाया है। आज मैंने देख के आया तो अच्छा जगह है वो, बहुत अच्छा लगा मेरे को। 2 रूम है, ओपन किचन है, गैलरी है, बाथरूम है, सब कुछ मतलब ठीक ठाक लगा मुझे, सब कुछ ठीक है। आप लोगों को मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि वो घर कैसा है। और मुझे पसंद, बहुत पसंद आया है मेरे को। लेकिन उसका हम लोग जब डिमांड पूछे कि मतलब इसका क्या रेट है, तो उन्होंने बताया कि 10.5 लाख, मतलब बना बनाया है, इतना तो नॉर्मल बात है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। और जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ, यहाँ ये कॉलोनी भी बहुत अच्छी है, शांत, मतलब शोर शराबा या फिर ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है, अच्छा खासा कॉलोनी है, बहुत अच्छा लगता है इस कॉलोनी में रहने में। तो और भी कहीं देखी थी मैं, आप लोग से सारी बातें शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे जलने वाले काफ़ी हैं, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोग से बातें शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्या कर रहे हैं, किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। तो मुझे वो घर बहुत पसंद आया, लेकिन वो 10.5 लाख का बता रहे हैं। हमने अपने साइड से बोला है कि मतलब 9 लाख में आप डन कर दीजिए, क्योंकि 9 लाख हो ही पाएगा हमारे पास। और वो भी कोई पक्का नहीं है क्योंकि हम कर्ज़ा उर्जा ले के, कर्ज़ा फिर लोन लेने कह रहे हैं मेरे हस्बैंड। लोन देखो कब पास होता है, क्या होता है, एक तो लोन मिलता भी नहीं है गरीब आदमी को, तो कोई लोन देने को तैयार नहीं है। 2-3 जगह बात कर लिए हैं लेकिन कुछ अभी हो नहीं पा रहा है। और मेरे हस्बैंड मतलब सोच रहे हैं कि वो नाइट ड्यूटी भी करें, नाइट ड्यूटी भी करने सोच रहे हैं। तो आप लोग से क्या बताऊँ, बस यही बातें थी जो कि आप लोग से मैं शेयर करना चाहती थी। और बाकी अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ पे देखा है ज़मीन और कैसा घर है बना बनाया। मतलब छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और बाकी अंदर को चलते हैं, तो धूप बहुत हो रही है, तो मैं इधर अंदर को आ गई हूँ क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। तो मैं आप लोग से ही बातें शेयर करने वाली थी और कुछ भी नहीं। और बाकी आप लोग देख सकते हो कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड इतना टेंशन में आ गए कि मैं मतलब रात की ड्यूटी भी करूँगा, कुछ ना कुछ देख नहीं पड़ेगा। और ड्यूटी करने की बात मेरी भी थी, लेकिन बाबू इतना छोटा है कि हम छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। लेकिन मेरा काम करने का बहुत मन है क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले क्या करेंगे, तो इसी की वजह से मैं भी सोच रही हूँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वीडियो बनाने में मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि हे भगवान, वीडियो बनाने से मेरे कुछ हो जाए, बहुत तकलीफ में हूँ। आप लोग हालात देख सकते हो, आप लोग सोच रहे हो कि व्रत रखिए इसके वजह से ऐसा हुआ, लेकिन बिल्कुल नहीं। व्रत तो मैं रख लेती हूँ, बचपन से रखते आ रही, तो मुझे आदत हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूख भूख नहीं लगता है। लेकिन बात ये हो जाती है ना कि टेंशन का कोई दवा नहीं है, तो मैं टेंशन ही लेते रहती हूँ एनी टाइम कि मतलब क्या होगा क्या होगा। और आप लोगों को बता दूँ कि अब देखो अभी बात चल रही है, अगर हमारा मतलब जो घर मैंने देखा है वो घर हमारा हो गया, तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद दूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, जो मन्नतें मांगे वो सब पूरी करूंगी। बस एक बार वो ज़मीन हम लोग के नाम हो जाए, क्योंकि जगह भी काफ़ी अच्छा है और बना बनाया घर है। मैंने पहले तो हम ज़मीन लेने को थे खाली, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर हस्बैंड ने बोला कि जब बना बनाया, आप सोच सकते हो कि 100 गज है जगह, वो भी लोकल में ही है, वो हमें
5.5 लाख में मिल रहा है 100 गज, तो जब हमें 9 लाख में अगर बना बनाया पूरा मिल जाएगा तो फिर उसमें क्या ही बुराई है। तो मैंने दिमाग लगाया कि हाँ, वैसे भी हम गरीब लोग हैं, अगर एक बार घर लेंगे फिर हम पैसे पैसे मतलब इकट्ठा करेंगे तभी जाके घर बन पाएगा। तो मैंने यही दिमाग लगाया कि हम जैसे तैसे 9 लाख का इंतजाम करते हैं। अभी वो राजी भी नहीं हुए हैं, मैं अपने साइड से बोल रही हूँ कि 9 लाख हमने घर का लगाया है, बाकी वो 10.5 ही बोल रहे हैं कि हम 10.5 में दे पाएंगे। अब देखो क्या होता है क्या नहीं। बाकी अगली बार जब मैं बात करने जाऊँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोग को यकीन हो जाए कि हाँ बात सही है या झूठ है। अभी मैं शूट करने वाली थी लेकिन जानबूझ के मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्या तो बात होगी या नहीं होगी। तो अभी बात हो रही है, अभी देखो क्या होता है। बाकी लोन के ऊपर अटक गया है, अगर हमें लोन मिल जाता है तो फिर वो हम लोन लेके फिर उनको पैसे आधे जमा कर देंगे, तो मतलब टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि हाँ हमें जगह मिल गई है। क्योंकि शहर इलाका का जगह आपको पता है इधर उधर होती रहती है, तो उसी बात का मुझे डर है। बाकी भगवान करे कि लोन पास हो जाए और हमें ज़मीन मिल जाए या पैसे इकट्ठा कर ले और हम उसे दे सकें। अच्छे हैं वो भी, बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो तो यही बोल रहे हैं कि 10.5 ही में हो पाएगा, क्योंकि इतना बना बनाया घर कोई इतना कम रेट में नहीं देगा और अच्छी जगह में भी दे रहे हैं, तो वही बात आ जाती है। तो अब देखो क्या होता है। बाकी यही बातें मैं आप लोग से शेयर करने वाली थी, और आज से मैं एक एक बातें आप लोग से शेयर करूँगी, चाहे जो भी जलना होगा जिसको भी जलना होगा वो जलते रहे, क्योंकि मैं बातें शेयर करने ना करने के चक्कर में ही मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात होती नहीं है कि मैं आप लोग को दिखाऊँ और जो बात होती है वो मैं आप लोग से दिखा नहीं पाती हूँ। तो अब मैं कंटिन्यू सारा चीज़ आप लोग से शेयर करूँगी, क्या है क्या नहीं। तो आज का बस इतना ही था। बाकी आप लोगों को मैंने बताया है कि मेरे हाथ में मोच आ गया है, तो इतना दर्द है, तो मैं शाम को जाऊंगी, एक मेरी बुआ लगती है वो मालिश करती है, तो मतलब उन्हीं के यहाँ पे जाना है मुझे, अपना हाथ ठीक करवाना है क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। कल मुझे कन्या पूजन भी करना है, तो देखो मैं अकेले कैसे करती हूँ। आज तो दिन भर व्रत में हूँ और कल मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, आज तो संडे है, कल सोमवार है, तो उनको ड्यूटी जाना ही होगा। तो अब देखो मैं अकेले क्या करती हूँ। वैसे तो मैं रात के 2 बजे 1 बजे ही उठ के मैं खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कन्या लोग मिलती नहीं है 9 दिन में, तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो अब वही मेरा कोशिश रहेगा कि रात के मतलब जल्दी उठ के मैं सारा काम फिनिश कर सकूँ और बाकी सुबह अच्छे से मैं कन्या पूजन कर सकूँ। आप लोगों को मैं सभी को दिखाऊँगी, कितना बजे उठूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्या बनाऊँगी, क्या नहीं बनाऊँगी, सभी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। आप लोग मेरे संग वीडियो में बने रहना मेरे चैनल पे, और जो इस वीडियो पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरी दिल से हेल्प करो यार, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, इसीलिए आपसे सोच लो एक तरफ से भीख ही मांग रही हूँ, मुझे भीख के तौर पर सब्सक्राइब दे दो। बाकी और मैं क्या ही बोलूँ आप लोग से, इतना मैं मतलब इतना टेंशन में हूँ कि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, क्या वीडियो बनाऊँ क्या नहीं। तो मैंने शॉर्ट वीडियो जैसे तैसे बना लिया है, बाकी हस्बैंड है नहीं, बाबू सोया हुआ है, तो अब मुझे थोड़ा सा आराम करना है क्योंकि शॉर्ट वीडियो बना कर मैं थक गई हूँ, ऊपर धूप भी काफ़ी तेज़ थी। तो अभी मैं तो सुबह उठ के पूजा पाठ करी, पूजा पाठ करने के बाद मैंने हस्बैंड के लिए दाल चावल बनाया, दाल चावल वो खा लिए हैं, वो अभी मुझे बताई कि मार्केट गए हैं, तो मार्केट जाने के बाद अब पता नहीं कब आते हैं, फिर हम बुआ के यहाँ पे जाएंगे, तो मैं उसका ही वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, अपना ख्याल रखना और मेरा दिल से सपोर्ट करना, और खुद के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। बाकी ये वीडियो हम करते हैं एंड, बाय बाय।